Welcome to Milestone Online Study. I'm Professor Lav Singh and we're going to give you a best IELTS reading series, especially in Punjabi. So, बच्चे असी जिवें तुहानूं दस्सिया मैं 500 प्लस रीडिंग्स असी इस चैनल दे उत्ते जिहड़ी हैगियां अपलोड कर रहे हैंगे। इहदे नाल नाल एक फीचर असी होर तुहानूं जिहड़ा हैगा ऐड कर रहे हैं राजे बच्चों के बेनीफिट के लिए, है ना। वो की हैगा कि तुसी किसी भी कोई बच्चे कोई आयल्स के पीटी के वीज़ा रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सानू दिते जो स्क्रॉल कर रहे हैं ना नंबर उत्ते व्हाट्सएप कर सकते हो। सैकेंडली तुसी सानू सैटरडे मतलब दोपहर 2 बजे तो लैके 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हो इस नंबर के उपर। किसी भी बच्चे कोई दिक्कत आ रही है, कोई बैंड स्कोर करके स्टक हो पाया, स्पैशली रीडिंग बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि अभी 5 से स्टक हो गए, 5.5 से स्टक हो गए किसी भी मॉड्यूल के, है ना। असी रियली हेल्प करेंगे राजे ताड़ी, है ना। सो एंजॉय योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। हेलो, वी आर डिस्कसिंग IELTS एकेडमिक रीडिंग कैंपस बुक 13 टेस्ट नंबर 3 पैसेज 3 व्हाट एवर हैपन टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन। वी हड़प्पा सिविलाइजेशन की होया भी किदा वो खत्म हो गई है, सिविलाइजेशन सोसाइटी किदा खत्म हो गई। मूव ऑन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 to 31। दीज आर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 27 प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बल्कि प्रपोज्ड मतलब एक तरह का भी शायद इदा होया हो, है ना, भी मनिया जाता फॉर द डिकलाइन। डिकलाइन मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई, वो प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन की है सी दे विच दस्या है की हो सकता, मतलब की होया होगा शायद। सी पैराग्राफ स्टार्टिंग दे विच ही देखो, सम हैव क्लेम्ड, कुछ क्लेम कर चुके ने दैट मेजर ग्लेशियर फेड रिवर्स, ठीक है। बी दे विच दस्या भी हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई सी, सी दे विच एक्सप्लेनेशन है प्रपोज्ड भी क्यों होगी होगी, है ना। दैट मेजर ग्लेशियर फेड रिवर्स चेंज देयर कोर्स, मतलब कि जो रिवर्स से उन्होंने अपना रास्ता चेंज करता, ड्रामेटिकली अफेक्टिंग द वाटर सप्लाई, वाटर की सप्लाई घट गई एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिए भी वाटर की शॉर्टेज हो गई इरीगेशन की, है ना। ऑन दैट द सिटीज़ कुड नॉट कॉप विद एन इनक्रीजिंग पॉपुलेशन, फिर जी सिटीज़ के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, दे एडजस्टड देयर रिसोर्स बेस, उन्होंने रिसोर्स खत्म हो गया, द ट्रेडिंग इकोनॉमी ब्रॉक डाउन खत्म हो गई, और दे स्कम्ड टू इनवेजन एंड कंफ्लिक्ट। स्कम्ड मतलब वैसे तो स्कम्ब का मतलब दम घुट के मरना, है ना जी, मतलब कि वो मर गए, खत्म हो गए टू इनवेजन एंड कंफ्लिक्ट, मतलब कि लड़ाई झगड़े ना जी। कुछ इदा कहेंदे, कुछ इदा कहेंदे, कुछ कोई कहेंदा जी, कुछ मतलब कि प्रपोज एक्सप्लेनेशन ने अलग अलग भी एवें होया होगा, शायद इदा हो, ठीक है। तो ये नहीं जी। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 रेफरेंस टू ए प्रेजेंट डे एप्लीकेशन ऑफ सम आर्कोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग्स। प्रेजेंट डे भी अजकल की एप्लीकेशनस ने जड़िया पहल रिसर्च फाइंडिंग्स ने उन्होंने किदा अजकल यूज किया जा सकता, ठीक है। 28 का आंसर है एच, देखो कितों आऊगा, यू कैन रीड फ्रॉम द एच पैराग्राफ सेकेंड लाइन, बाई इन्वेस्टिगेटिंग रिस्पोंस टू इनवायरमेंटल प्रेशर्स एंड थ्रेट्स वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट, असी पास्ट तो सीख सकते हैं, टू इनकेज विद द पब्लिक, पब्लिक नाल अंगेज होना, एंड द रेलीवेंट गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज टू बी मोर प्रोएक्टिव, वध एक्टिव होना चाहिए इन इशूज सच एज द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की मैनेजमेंट के वधिया होना चाहिए भी असी पास्ट तो यह सीख सकते हैं। द बैलेंस ऑफ अर्बन एंड रूरल डिवेलपमेंट, अर्बन के रूरल डिवेलपमेंट का बैलेंस ए नहीं है, अर्बन एरिया डिवेलप हो रहे, रूरल एरिया डिवेलप नहीं हो रहे, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल हैरीटेज इन द फ्यूचर, भी साढ़े कल्चर को बचा के रखना, हैरीटेज हों विरासत को बचा के रखना फ्यूचर के। 28 का आंसर रेफरेंस टू ए प्रेजेंट डे एप्लीकेशन ऑफ सम आर्कोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग, मतलब कि असं पास्ट तो अज की सीख सकते हैं, एच के दसा गया से। क्वेश्चन नंबर 29 ए डिफरेंस बिटवीन द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड अदर कल्चर ऑफ द सेम पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशन ते होर कल्चर्स दे विच की डिफरेंस सी, इदां दी गल ए दे विच दसी हुई है। 29 दा आंसर है ए, देखो ए पैराग्राफ दे विच, अपने लास्ट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, बट देयर लैक ऑफ सेल्फ इमेजनरी,
ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦ ਇਜਿਪਟੀਅਨਸ ਇਜਿਪਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰ ਕਾਰਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਟੈਂਪਲਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਗਏ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਜਿਪਟੀਅਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਏ ਡੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਹੜੱਪਾ ਅਰਬਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਡੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਥਰਡੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਕਿੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਰ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਹੈਡ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਚਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਹ ਵੀ ਫੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਹਾਲਸ ਲੇਡ ਆਊਟ ਇਨ ਡਿਸਟਿੰਕ ਸੈਕਟਰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੀਚਰਸ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਐਰਰਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸਥ ਸੈਵਨਥ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਐਨੀ ਅਟੈਂਪਟਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਵਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਫਲੋਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਫਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਐਰਰ ਨੇ ਓਵਰ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਦੇ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ 1988 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਦੈਟ ਵਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ 198 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 32 to 36 ਆਰ ਵਨ ਵਰਡ ਓਨਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਕੀ ਨੇ ਯਾਮਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਐਂਡ ਡੇਵਿਡ ਹੋਡਲ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਦ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਨਰਦਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਵੀ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਕੁਲੈਕਟਿੰਗ ਦ ਸ਼ੈਲਸ ਸ਼ੈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਲ ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਫ ਸਨੇਲ ਸਨੇਲਸ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਲਸ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਮ ਦੇ ਡਿਸਕਵਰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲਸ ਇਨ ਏ ਲੇਕ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੈਲਸ 33 ਲੇਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਗੈਦਰ ਸ਼ੈਲਸ ਆਫ ਮੈਲਾਨੋਡਿਸ ਟਿਬਲ ਸਨੇਲਸ ਸ਼ੈਲਸ ਆਫ ਸਨੇਲਸ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 32 ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਨ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਲੇਕ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਜੀਓਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਐਜ਼ ਟੂਡੇ ਦ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲੇਕ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦ ਸਮਰ ਮੌਨਸੂਨ ਫੇਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਾਜ ਐਨ ਅਬਰਪਟ ਚੇਂਜ ਅਬਾਊਟ 4100 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਵੈਨ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਵਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਲੇਕ ਐਕਸੀਡਿਡ ਦ ਰੇਨਫਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਡਰਾਟ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਲੇਕ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੀ ਆਪਣੇ 34 ਦਿਸ ਅਕਰਡ ਵੈਨ ਦੇਰ ਵਾਜ ਲੈਸ ਰੇਨਫਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਦੈਨ ਇਵੋਪਰੇਸ਼ਨ ਇਵੋਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਾਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ
and suggest that there was an extended period of drought. Drought मतलब किंतु सोका पानी ज़्यादा उड़ता गया पाप बन के जी रेन का टोई से सोके सोका आ गया मतलब उससे 34 दा आंसर है रेनफॉल. देखो कितना होगा 34 दा अगेन इन द ई पैराग्राफ. असि हमने भी पढ़िया पर तुसी लास्ट तो पढ़ सकते हो लास्ट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन. But we have observed that there was an abrupt change about 4100 years ago when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall. Rainfall ज़्यादा सी, evaporation कट सी. Sorry, evaporation ज़्यादा सी, rainfall कट सी. Move on to next question, 35 and 36. देखो 35 question देखो. Petrie and Singh's team are using archaeological records to look at grains from 5 millennia ago. 5 millennia मतलब कि 5000 years ago. वो grains नू देख रहे हैं. Grain मतलब जितना आप कह दिए wheat, rice, कणक, चुना, वो grains ने. In order to know whether people had adapted their agriculture practice to changing climate conditions. The grains नू वो चेक कर रहे. 35 का आंसर grains है. देखो कितना होगा 35 का आंसर है. ये होगा जी पैराग्राफ दे विच. पैट्री एंड सिंग्स टीम इज नाउ एग्जामिनिंग आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ हाउ पीपल लेड देयर लाइव्स इन द रीजन 5 मिलेनिया एगो. लिखा हुआ है ना उधर भी. दे आर एनालाइजिंग ग्रेन्स कल्टीवेटेड एट द टाइम. की एनालाइज कर रहे हो ग्रेन्स. एथो ग्रेन्स आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36. दे आर ऑलसो एग्जामिनिंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पोटरी. पोटरी की होंगे जी मतलब कि मिट्टी के बर्तन जिदा कहते जिदा अपना मटका होंगे है ना. सो एज टू फाइंड आउट अबाउट लिंक्स बिटवीन इनहैबिटेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन एंड वैदर दीज चेंज्ड ओवर टाइम. ठीक है. उन्होंने पोटरी भी एग्जामाइन की फिर पहला ग्रेन फिर पोटरी. ठीक है जी. देखो अपने लास्ट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन. दे आर ऑलसो लुकिंग एट वैदर द टाइप्स ऑफ पॉटरी यूज एंड अदर एक्सपेक्ट्स ऑफ देयर मटेरियल कल्चर. टाइप्स ऑफ पॉटरी यूज इतों आंसर आऊगा पॉटरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 to 40. मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट रिसर्चर. क्वेश्चन नंबर 37. फाइंडिंग फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस टू एनवायरमेंटल कंडीशंस इन द रीजन इज वाइटल. ਬਿੰਦੂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਾਈਟਲ ਹੈ. ਹੋਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ. ਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ. 37 ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ. ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਲਾਈਨ. Considering the vast area of the Harappa civilization with its variable weather system, explains Singh, it is essential that we obtain more climate data from areas close to the two great cities at Mohenjo-daro and Harappa and also from the Indian Punjab. Okay. This it is essential that it is important or the vital likhe de that we obtain more climate data. Sanu more information di load hai. Edan di gal kine kahi sigi ji. Singh ne explain the thing. ओके. नेक्स्ट 38. एग्जामाइनिंग प्रीवियस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर मे हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. जैसे पहला दे पैटर्न बिहेवियर का की पैटर्न रहा ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑन ओवर टाइम के. 38 का आंसर ए है कैमरून पैट्री. इन्होंने यही गल कही थी. 38 देखो कितना होगा आंसर. देखो लॉन्ग टर्म बेनीफिट्स यानी कि फ्यूचर की गल है. फ्यूचर की गल ज़्यादातर लास्ट पैराग्राफ के पिछे हुई करती है. देखो एच पैराग्राफ से पैटरी की गल रही है बिल्कुल फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है. फिर सेकंड लाइन के लास्ट जैसे देखो बाय इन्वेस्टिगेटिंग रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल प्रेशर्स एंड थ्रेट्स वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट टू एंगेज विद द पब्लिक. फिर अगर प्रिजर्विंग कल्चरल हैरीटेज इन द फ्यूचर. असं पास्ट तो सीख के पास्ट तो कुछ सीख सकते हैं फ्यूचर के लिए. लोंग टर्म बेनीफिट्स ने मतलब. 39 रफ कैलकुलेशंस इंडिकेट द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ए पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज. भी एक रफ जी कैलकुलेशन की है भी इन्ने टाइम लिए वाटर की शॉर्टेज रही होगी.
डी डेविड हॉडल इन्हें निकल गया 39 था। देखो 39 कितना होगा। ई पैराग्राफ लास्ट दो थर्ड लाइन हॉडल एड जिसे लिखा वी एस्टिमेट रफ कैलकुलेशन उधर एस्टिमेट लिखे दैट द वीकनिंग ऑफ द इंडियन समर मानसून क्लाइमेट लास्टेड अबाउट 200 ईयर्स बिफोर रिकवरिंग टू द प्रीवियस कंडीशन। अप्रोक्सीमेट किन्ना 200 ईयर्स ये टाइम पीरियड है। तो इतों आंसर आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन लैकिंग भी मतलब कि उस बारे इन्फॉर्मेशन साड़ी कोल घट है भी यदि डिक्लाइन किदा होया। 40 का आंसर ए है कैमरन पैट्री। 40 का आंसर कितों आऊगा ये हैगा अपने सैकेंड पैराग्राफ दे विच बी पैराग्राफ यानी कि there is plenty of archaeological evidence to tell us about the rise of Hadappa civilization balki vadhya kitna ode bare ta hega but relatively little about its fall explain archaeologist Dr. Cameron Petrie bhi e khatam kitna ho gayi ede bare sade kole bahut ghat information hai ke Petrie ne eh gal kahi Cameron Petrie okay this is all about this passage I hope you understood thank you so much